राजस्थान में दो चरणों में चुनाव हुए, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी एक सीट है जो मुसलसल चर्चाओं में बनी हुई है, वो है बाड़मेर और जैसलमेर की सीट। इस सीट से एक युवा नेता ने सबका ध्यान खींचा हुआ है, वो है निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली से लेकर उनकी सभाओं तक काफी तादाद में भीड़ देखने को मिली है। अब ऐसे ही एक और युवा बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चर्चाओं में है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ही तरह पवन सिंह ने भी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रखी है। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर से मैदान में है, तो वहीं पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। भाटी और पवन सिंह दोनों ने लोकसभा चुनाव में हरीफ उम्मीदवारों को चिंता में डाल दिया है। भाटी की वजह से बाड़मेर जैसलमेर में और पवन सिंह की वजह से काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा के उम्मीदवारों को अधिक नुकसान होने का डर सता रहा है। बता दें, पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था। पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी के सामने बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं, तो कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल हैं। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह की टक्कर एनडीएफ समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से है, तो महागठबंधन समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार राजाराम सिंह है। पवन सिंह और भाटी को एक बात जोड़ती है, वो है दोनों का ही युवाओं में काफी क्रेज है। भाटी छात्र राजनीति से आगे बढ़े तो पवन सिंह भोजपुरी के गाने और एक्टिंग से राजनीति में आए। भाटी की ही तरह पवन सिंह की भी हर सभा में काफी तादाद में भीड़ उमड़ रही है। दोनों के नामांकन सभा के दौरान समर्थक भारी संख्या में जुटे थे, दोनों में युवाओं की संख्या अधिक रही, तो वहीं दोनों पर एक ही आरोप लगाया जा रहा है। भाटी और पवन सिंह दोनों पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप है। दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले भाजपा से टिकट मांगा था, जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो दोनों ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र भाटी और पवन सिंह की सोशल मीडिया पर भी खास पहचान है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज।